दोस्तों दोस्तों दोस्तों, फिर एक नई सुबह और एक नए दिन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हमारी राइड का डे 7 है। अभी हम हैं खलसर में। अगर आपने कल हमारा ब्लॉग देखा होगा तो हम तुरतुक जो थांग लास्ट विलेज था वहां से हम वापसी आए थे और हम खलसर में स्टे किया था एक आर्मी कैंप में। हम सुबह सुबह निकल चुके हैं आर्मी कैंप से खलसर से और जो समय अभी हुआ है वो लगभग 8:45 हुआ है। तो जल्दी निकलने का कारण हमारा ये है कि हमने एक नया रूट एक्सप्लोर करना है आज। दूसरा कारण ये है कि जितनी भी वाटर क्रॉसिंग हमें आगे मिलनी है तो अगर आप जल्दी जाते हैं तो वो उसका लेवल कम मिलेगा और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा और वो वाटर लेवल हमेशा बढ़ता जाएगा वाटर क्रॉसिंग का। इस वजह से हमेशा जल्दी ही निकलना चाहिए। दोस्तों मेरे लेफ्ट हैंड पे जो रिवर देख रहे हैं आप, ये है शायोक रिवर और पेंगोंग लेक तक ये हमारे साथ में रहने वाली है। तो दोस्तों ये जो रूट में हम अभी चल रहे हैं ये है नुब्रा वैली टू ले हाईवे, लेकिन 2-3 किलोमीटर के बाद ये रास्ता 2 रास्तों में बढ़ जाएगा। लेफ्ट हैंड को जो रास्ता जाएगा वो है पेंगोंग लेक को रास्ता और राइट हैंड को जाएगा पूरा लेक को रास्ता। तो हमने लेफ्ट को जाना है और फिर हम निकल जाएंगे पेंगोंग लेक को। तो पेंगोंग लेक जाने के नुब्रा वैली से 3 रास्ते हैं, तो मैं आगे धीरे धीरे आपको डिटेल बताता रहूंगा। अभी हम जो रूट पे जाएंगे वो सबसे शॉर्टेस्ट रूट है पेंगोंग लेक जाने का, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। आपको दोस्तों काफी हेल्प मिलेगी इस रूट को देखकर। अगर आप फर्स्ट टाइम इस रूट पे जाएंगे, इस रूट पे आपको बहुत ही शानदार लैंडस्केप मिलेंगे, इस रूट के बारे में काफी जानकारी मिलेगी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट टर्न करते ही पेंगोंग वाला रूट हमें मिल जाएगा, तो हम उसी रूट पे आ गए हैं। अब ये सीधा पेंगोंग लेक को रास्ता जा रहा है। खलसर से हम जाएंगे अगम से डायोग विलेज और शायोग विलेज से जाएंगे पेंगोंग लेक, और ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट है हमारा आज के ट्रिप का। लगभग 140 किलोमीटर डिस्टेंस दिखा रहा है गूगल जी और हमें जो समय बता रहा है वो लगभग 5-6 आवर बता रहा है जो हमें समय लगेगा। तो आज लगभग हम दोपहर को पहुंच जाएंगे पेंगोंग लेक तक और उसके बाद फिर आगे हमें जाना है चुसुल विलेज को। तो आज का जो स्टे है हमारा चुसुल को है, तो यहाँ के आज के नज़ारे आप एंजॉय कीजिए, काफी शानदार नज़ारे हैं। दोस्तों अभी आपने देखा हम वाटर क्रॉसिंग के अंदर से निकल के आए हैं और इससे आगे आगे और भी इससे बड़ी वाटर क्रॉसिंग आपको देखने को मिलेगी, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो अभी हम रूट की बात कर लेते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नुब्रा वैली से जो पेंगोंग जाने के 3 रूट हैं। पहला रूट की बात करते हैं जिससे हम जा रहे हैं नुब्रा वैली से अगम विलेज। अगम से 2 रास्ते कटते हैं, तो जिस रास्ते से हम जाएंगे वो जाएगा शायोग विलेज की तरफ और शायक विलेज से दुर्बुक और दुर्बुक से पेंगोंग लेक। तो ये 140 किलोमीटर का रूट है, इसमें हम मोस्टली शायक रिवर के साथ साथ ही जाएंगे। तो दूसरा जो रूट है वो है नुब्रा वैली से अगम विलेज। अगम विलेज से जो 2 रूट कटते हैं, एक तो शायक जो पहले हमारा वाला रूट है, दूसरा है वारिला पास की तरफ निकल जाता है। तो वारिला पास, शक्ति विलेज और फिर चांगला पास और फिर दुर्बुक, फिर पेंगोंग लेक। तो इसमें 2 पासिस आते हैं, वारिला पास और चांगला पास, और ये ऊपर काफी आपको पहाड़ पे बर्फ देखने को जरूर मिलेगी और ये विंटर्स में बंद भी हो जाता है, इसलिए ये ज्यादातर यूज कम ही होता है। तो तीसरा जो रूट है वो है नुब्रा वैली से वापसी ले को जाएंगे, नुब्रा वैली खरदुंगला ले, और उसके बाद वापसी फिर हम जाएंगे। तो ले से हम निकलेंगे फिर शक्ति विलेज, शक्ति से चांगला, चांगला से दुर्बुक और दुर्बुक से फिर पेंगोंग लेक, और ये है 250 किलोमीटर का स्ट्रेच है पूरा, लेकिन इसमें आपको एक दिन स्टे करना पड़ेगा ले में, तभी आप आराम से पहुंच।
पहुंच सकते हैं पेंगोंग लेक। तो ये हमारे टोटल 3 रूट हैं नुब्रा वैली से पेंगोंग लेक के लिए। आपको जो अच्छा लगे आप चूज कर सकते हैं। मोस्टली रेनी सीजन में ये 2 रूट बंद हो जाते हैं, नुब्रा वैली और अगम वाला, और सिर्फ ले से ही रास्ता खुला होता है। दोस्तों मैं आपको यही बता रहा था कि इस रूट पे जैसे ये काफी खराब रास्ता है, ऐसे बीच बीच में हमें काफी खराब रास्ता मिलेगा और वाटर क्रॉसिंग्स मिलेंगी काफी डेंजरस, और इसके अलावा हमें बीच बीच में अच्छे रास्ते भी मिलेंगे। हमारा सफर लगभग 6-5 घंटे में पूरा हो जाएगा। तो ये काफी शॉर्ट रूट है। अगर आप एक दिन बचाना चाहते हैं और ये रास्ता खुला हो तो ही इस रूट से आना, लेकिन उससे पहले आप पता कर लेना। अगर आप नुब्रा वैली से आ रहे हैं तो खलसर विलेज में आप लोकल से पता कर लेना कि ये रूट खुला है या नहीं है, क्या डेंजर है। और अगर आप पेंगोंग से ये नुब्रा वैली आए तो लास्ट विलेज में कहीं पता कर लेना, पेंगोंग से भी पता कर सकते हैं कि ये रूट खुला है कि नहीं है, तभी आप इस रूट पे आना। आपने पीछे देखा होगा कि बिल्कुल रिवर के पैरेलल एक रोड जारी है, एक रिवर का वाटर लेवल बढ़ता है तो वो रोड बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो यही कारण है कि ये रूट बहुत ही कम समय के लिए खुलता है, लेकिन इसके जो आपको व्यू दिखेंगे, जो लैंडस्केप दिखेगा, वो अमेजिंग होने वाला है, बहुत ही शानदार। अभी हम शायक रिवर के बीच से होके निकल रहे हैं। ये एक रूट जो बना हुआ है कि हमें रिवर के अंदर से ही होके जाना पड़ता है, क्योंकि इस टाइम वाटर लेवल रिवर का बहुत ही कम है, जिसकी वजह से ये देखिए बिल्कुल हम रिवर के बीच से होके जा रहे हैं और हमारे बिल्कुल पैरेलल साथ में शायक रिवर भी चल रही है, लेकिन उसमें वाटर लेवल बहुत ही कम है। जुलाई अगस्त के बाद यहाँ पे ये पूरा पानी पानी हो जाता है, तो यहाँ से निकलना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है, जब भी आप आए तो पता करके आए कि ये रूट खुला है या नहीं खुला है, लेकिन ये रूट बहुत ही अमेजिंग है। दोस्तों सुबह हम अपने आर्मी कैंप से 8:50 पे चले थे पेंगोंग लेक के लिए। अभी हमने फर्स्ट ब्रेक लिया, अभी टाइम कितना हो गया, टाइम 11 बज चुके हैं, 2 घंटे राइड की है कंटिन्यू, और रास्ता ख़राब भी काफ़ी मिला, साफ भी मिला, और वाटर क्रॉसिंग बहुत मिली है। अभी देखें आगे क्या क्या मिलता है, अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा है रास्ता, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना ले से आए थे हम, वो काफ़ी अच्छा रास्ता था, ये साफ रास्ता नहीं है इतना। और ये अभी एक नदी जा रही है घाटी के बीच से, पीछे हमारी बाइक खड़ी है। दोस्तों काफ़ी ऑफ रोडिंग के बाद अब हमें एक मेटल की रोड मिली है और काफ़ी नई रोड है, अभी लग रहा है कि ये करंटली ही अभी बनाई गई है, मेंटेन की गई है। अभी जो हमारे सामने सिचुएशन है ये देखिए, एक तरफ तो पूरी खाई है, बहुत गहरी खाई है, और दूसरी तरफ काफ़ी ऊंचे माउंटेन हैं, पहाड़ हैं, और जो व्यू हमें दिखाई दे रहा है वो बहुत ही शानदार व्यू दिखाई दे रहा है। और यहाँ से जो पेंगोंग लेक की जो डिस्टेंस है वो लगभग 66 किलोमीटर रह गया है, और दुर्बुक यहाँ से 13 किलोमीटर की दूरी पे है। काफी एरिया हमने कवर कर लिया है, तो ये व्यू देखिए कितना शानदार व्यू है जो सामने हमें दिखाई दे रहा है। और इस रूट पे
इतने आयरन ब्रिज मिले हैं जितने अभी तक हमने टोटल 6 दिन की राइड में नहीं मिले। ये हमारे राइड का 7वां दिन है और हमारा जो आज का प्लान है, हमने जाना है नुब्रा वैली से पेंगोंग लेक और उसके बाद हम आगे निकल जाएंगे चुसुल विलेज में। फ्रेंड्स, वी आर रीच्ड इन दुर्बुक। यहाँ से पेंगोंग लेक का जो रास्ता रह गया है वो जस्ट 53 किलोमीटर रह गया है एंड 1.5 आवर की और राइड है हमारी। तो मैं बता दूँ, दुर्बुक में तीनों रूट आके मिलते हैं, चाहे आप ले से आए, चाहे आप वारिला पास से हैं और जहाँ से हम शायो विलेज से आए हैं, तो ये तीनों रूट यहाँ पे आके मिलते हैं। और अभी जो समय हुआ है वो लगभग 12 बज चुके हैं। ऑलमोस्ट हम पेंगोंग लेक पहुंच चुके हैं और ये एक आर्मी का कोई कैंप है और हमें यहाँ से पेंगोंग लेक नजर आ रही है हमारे लेफ्ट हैंड पे। तो हम लगभग पहुंच चुके हैं दोस्तों पेंगोंग लेक पे और जो अभी समय हुआ है वो 1:35 1:35 हो चुका है आफ्टरनून। तो आज का जो हमारा प्लान है, अभी मैं बता देता हूँ कि अभी हमें भूख लग चुकी है, तो अभी पहले हम लंच करेंगे कोई अच्छा सा होटल देख के और उसके बाद हम अपनी पेंगोंग लेक को एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ी फोटोग्राफी करेंगे। हमें लगभग 2 आवर्स हम यहाँ पे स्पेंड करेंगे। आज हम यहाँ पेंगोंग लेक पे स्टे नहीं करेंगे, तो हमारा आज का स्टे है वो है चुसुल विलेज, जो पेंगोंग लेक से लगभग 60 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। हमें अभी उसका रूट या रास्ता पता नहीं है कैसा रास्ता है, लेकिन हम आज जाएंगे चुसुल में। तो आज हम नुब्रा वैली से चुसुल का रूट हमारा आज पूरा हो जाएगा। आप अब एंजॉय कीजिए हमारी पेंगोंग की जर्नी को। दोस्तों, मोर देन 2 आवर्स स्पेंड करने के बाद हम चल पड़े हैं चुसुल की तरफ और मोर देन 1.5 आवर यहाँ पे रेन भी हुई है, बड़ी तगड़ी रेन हुई है और ठंड एकदम बढ़ा दी है। और आप बादल देख ही रहे हैं कि अभी अभी जस्ट रेन खत्म हुई है और हम निकल पड़े हैं, क्योंकि हमारा लगभग 60 किलोमीटर का अभी जो जर्नी है बची हुई है, हमने जाना है चुसुल को और आगे का रूट हमें बिल्कुल पता नहीं है, बिल्कुल अंदाजा नहीं, क्योंकि इस रूट पे बहुत ही कम लोग जाते हैं, बहुत ही कम मतलब कि टूरिस्ट जाते हैं चुसुल की तरफ। जो आज का जो हमारा स्टे है वो चुसुल में है और हमें बिल्कुल आइडिया नहीं वहाँ पे कि वहाँ पे होम स्टे मिलेगा या कोई होटल है क्या नहीं है, लेकिन हम चल पड़े हैं। तो यहाँ पे पेंगोंग लेक आपने देखा है कि बहुत ही शानदार पेंगोंग लेक। दोस्तों, हमने मोर देन 2 आवर पेंगोंग लेक पे एंजॉय किया है और हमने लंच भी यहीं पे किया था और काफी फोटोग्राफी हो गई है। अब हम चल रहे हैं चुसुल को।
दोस्तों, अगर आपको इस रूट के बारे में कुछ भी जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, आप वहां भी मेरे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके कोई भी आपकी क्वारी है मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। दोस्तों, अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, और कोई भी मेरा नया व्यूअर्स है जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आपको इसी तरह नए नए ब्लॉग देखने को मिले। और अंत में दोस्तों, मैं जैसे हर बार बोलता हूँ कि राइड हार्ड करें और राइड हमेशा सेफ्टी से करें। वंदे मातरम एंड जय हिंद।